नमस्ते दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार सरकार और आप देख रहे हैं टेक्निक रास्ता। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रोड कंपनी का दो ऑडियो कन्वर्टर। एक है आपका रोड कंपनी का SC4 और दूसरा है आपका रोड कंपनी का SC3। ये दोनों कन्वर्टर आपको कैसे और कब यूज करना चाहिए वो मैं आज बताऊंगा। और ये जो SC4 केबल है ये मैंने मंगवाया amazon.in से और इसका प्राइस है आपका 1200 रुपीज। और ये जो है SC3 ये भी मैंने मंगवाया amazon.in से और इसका प्राइस है आपका 1200 रुपीज। ये दोनों केबल जो है ओरिजिनल है, बिल्कुल अच्छे से काम करता है, कोई इशू नहीं आता है। अगर मैं दूसरा कोई केबल मार्केट से खरीदना चाहता हूँ अल्टरनेटिव जो कम कीमत पर मिलता है, वो आपका कभी काम करता है, हो सकता है कि काम भी ना करे। वो भी मैंने मंगवाया हूँ दो। ये हो गया आपका SC4 और ये हो गया आपका SC3। तो SC4 क्या होता है, ये आपका TRS को TRRS में कन्वर्ट कर देता है। मतलब आपका जो भी कैमरा का माइक है उसको स्मार्टफोन में या तो iOS फोन में यूज करने के लिए कैपेबल बना देता है। ये क्या करता है, आपका TRRS से TRS में कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है, आपका स्मार्टफोन का माइक को कैमरा में यूज करने के लिए कन्वर्ट कर देता है। तो मैं दिखाता हूँ, जैसे ये माइक हो गया आपका, ये EDTs का माइक है ETM001, ये हो गया TRS। मतलब ये जो माइक है ये आपका कैमरा का माइक है, कैमरे पे आप इसको डायरेक्ट डाल सकते हैं। जैसे ये मेरा GoPro है, इसमें जो भी पोर्ट दिया गया इसमें मैं इसको डायरेक्ट डाल सकता हूँ ऐसा। अगर इस माइक को मैं स्मार्टफोन में यूज करना चाहता हूँ या तो आईफोन में यूज करना चाहता हूँ तो मुझे SC4 कन्वर्टर चाहिए जो TRS को TRRS में कन्वर्ट कर दे। मतलब ये जो SC4 है ये 3 पोल से 4 पोल में कन्वर्ट कर देता है, और ये जो SC3 है 4 पोल से 3 पोल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ये जो माइक है, ये माइक हो गया आपका स्मार्टफोन के लिए, रोड कंपनी का स्मार्ट लेवलियर माइक्रोफोन है, ये डायरेक्ट स्मार्टफोन में आप लगा सकते हैं। लेकिन इसे अगर मैं कैमरे में डायरेक्ट इनपुट करना चाहता हूँ तो काम नहीं करेगा, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यूज करना पड़ेगा। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। केबल का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, मैंने इसको यूज़ करके देखा है, ये बिल्कुल अच्छे से काम करता है। ये हो गया आपका SC3। देखिए यहाँ पे दो कलर दिया गया है, ये जो यहाँ पे ब्लैक दिया गया है और यहाँ पे आपका ग्रे दिया गया है। ब्लैक वाला जो है ये आपका TRS पॉइंट है, जो ग्रे वाला है वो आपका TRRS है। यहाँ पे आपका ग्रे वाला जो है वो आपका TRRS है। अब अगर गौर से देखेंगे इसको तो यहाँ पे डॉट भी दिया गया है, आपको यहाँ पे डॉट दिया गया है, आपका 4 डॉट दिया गया है, 1 2 3 4। ये डॉट दिया गया मतलब आपका 4 पोल है और इस तरफ आपका 3 पोल है। तो दोस्तों आप अगर कैमरे के लिए कोई माइक खरीद के रखा हुआ है और आप उसको स्मार्टफोन का साथ यूज करना चाहता है तो आपको ये वाला जो केबल है उसको लगाना पड़ेगा। जैसे मैं इसको लगाता हूँ, ये मेरा EDTs का माइक है, ये हो गया आपका ETM001। इसमें आपका 3 पॉइंट है, मतलब आपका TRS है, 3 पोल है, तो इसको मैं इसमें लगा देता हूँ। लगा दिया, अभी हो गया ये 4 पोल। तो इसको मैं अभी टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं इसको आईफोन का साथ टेस्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो चलिए ये देखिए आईफोन, एप्पल का अडैप्टर ले लीजिए, ओरिजिनल अडैप्टर है, 900 रुपीज़ लेगा। इसका भी वीडियो आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। तो इसको मैं लगा दिया हूँ ऐसे, अभी देखिए मैं इसको ऑन करता हूँ, ये देखिए ये बढ़िया से काम कर रहा है। तो ये बढ़िया से काम कर रहा है। तो ये हो गया आपका, टेस्ट करके दिखाया मैंने, काफ़ी बढ़िया से काम कर रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा हवा ब्लो करता हूँ, देखिए अगर मैं इसमें नीचे में नहीं आता, मतलब ये वाला माइक काम नहीं करता है, ये वाला माइक काम करता है। और आप अगर कोई भी दूसरा जो एडाप्टर मिलता है उसको लगाना चाहता है माइक के साथ, जैसे आपका इस तरह का एडाप्टर जिसमें आपका ये TRRS है लेकिन इसमें आप स्पीकर ले सकते हैं, इसमें आप लगा हेडफोन ले सकते हैं और इस तरह माइक लगा सकते हैं। तो इसको मैं लगाता हूँ, तो इस केस में ये काम तो करता है लेकिन दोनों काम करता है, जो आईफोन का जो माइक्रोफोन है वो भी काम करता है और ये जो माइक्रोफोन है ये भी काम करता है। मैंने देखा है, मैंने अभी देखिए, और थोड़ा सा स्टॉप भी हो जाता है रिकॉर्डिंग के टाइम में, तो आपको डिस्टर्ब भी होगा क्योंकि प्रोडक्ट इतना कंफर्टेबल नहीं है। ये देखिए ये काम तो कर रहा है,
ईआरपी भी काम कर रहा है, देख स्टॉप हो जाता है। तो मैं भी सोच रहा था क्या प्रॉब्लम हो गया, तो ये जो अडेप्टर है ये कंपेटेबल नहीं है एक्चुअली, जो ज़्यादा टाइम रिकॉर्ड नहीं होता है वो उसके बाद स्टॉप हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये काम तो करेगा आपका, अगर आप यहाँ पे कोई, मैं यहाँ पे साउंड देता हूँ, देखिए यहाँ पे साउंड ले रहा है और यहाँ पे भी साउंड ले रहा है, मतलब दोनों माइक काम करता है। तो ये हो गया आपका चाइनीज़ प्रोडक्ट जो मैं कम कीमत में मंगवाया था 500 रुपये में। तो मैं सोचता इसी से काम हो जाएगा, तो मैं SC4 वाला नहीं मंगवाऊँगा, तो इससे काम नहीं होता है। तो हो सकता है ये केबल डिफेक्टिव हो सकता है कि ये केबल काम ही नहीं करता हो। तो ये देखिए TRRS बन गया है, इसको मैं लगाता हूँ, इसको मैं रिज्यूम करता हूँ। ये देखिए अभी तो काम कर रहा है, दिखा रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इसमें। ये क्या होता है, स्टॉप हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये देखिए स्टॉप हो गया, अभी तो काम कर रहा है, दिखा रहा है, देख स्टॉप हो जाता है। तो मुझे लगता है इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो ये कंपेटेबल नहीं है। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट लगाता हूँ तब भी नहीं होगा, क्योंकि ये TRS है। अगर मैं इस कन्वर्टर में डायरेक्ट लगाता हूँ फिर भी नहीं काम करेगा। फिर से करता हूँ, देखिए ये नहीं ले रहा है अभी, यहाँ पे देखिए नीचे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अच्छे से लेता है, और यहाँ पे देखिए नहीं लेता, मतलब ये वाला माइक नहीं काम कर रहा है, ये यहाँ से रिकॉर्ड हो रहा है, अभी मेरा साउंड जो है यही से रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये देखिए मैं इसको खोल देता हूँ। तो ये हो गया आपका EDTS कंपनी का माइक्रोफोन जो मैं आईफोन में यूज़ करने के लिए लाया था। तो EDTS कंपनी में क्या हुआ था, एक दूसरा एक मॉडल है जो EIM001 है, जो TRRS है, डायरेक्ट स्मार्टफोन में यूज़ करने के लिए, और उसका साथ होल्डर मिलता है जो माइक को होल्ड करके रखता है, माउंट। तो इस तरह का माउंट मिलता है जिसमें आप इसको ऐसा करके रखिए और इसको यहाँ पे ऐसा करके लगाइए और यहाँ पे आप माइक्रोफोन को डायरेक्ट इंसर्ट कर दीजिए, ऐसा करके एक माउंट मिलता है। तो ये मैंने खुद ही बनाया है। तो इसका जो होल है यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे ये जो अडेप्टर है इसको यहाँ पे नहीं लगाना है, क्योंकि ये TRS है, तो TRS को फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे TRRS में। तो मैं इसको ऐसे लगाता हूँ और फिर इसको ऐसे लगाता हूँ और फिर इसको मैं ऐसे लगा देता हूँ ऐसा करके। तो देखिए मैं इसको ऐसे लगा दिया हूँ, आईफोन के लिए ये रेडी हो गया। आप इसे पकड़ के भी इसको वीडियो शूट कर सकते हैं, अगर आपको विंडशील्ड लगाना है तो विंडशील्ड भी लगा सकते हैं। ये मैंने एक विंडशील्ड लगाया था, इसका साथ एक विंडशील्ड भी मिलता है। अगर इसका वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। ये देखिए विंडशील्ड भी लगा दिया मैंने, अभी मैं देखिए यहाँ पे टेस्ट करके दिखाता हूँ। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो, काफ़ी अच्छे से साउंड आता है। तो माइक का मैं और एक वीडियो बनाने वाला हूँ अलग से, इस तरह से आप हाथ में पकड़ के आप वीडियो शूट कर सकते हैं। तो स्टॉप कर देता हूँ, तो इस माइक्रोफोन को देता हूँ। तो अभी मैं SC3 को टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो SC3 में लगाने के लिए मुझे स्मार्टफोन का माइक चाहिए जो TRRS है, तो TRRS को मैंने इसमें लगा दिया, ये लगा दिया, अभी ये TRS बन गया। तो अभी मैं देखिए इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हैं ऐसे करके। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ये मैंने ऑन कर दिया, अभी देखिए इसको मैं टेस्ट करता हूँ। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग, अभी जो ये रिकॉर्डिंग हो रहा है इस माइक से हो रहा है। तो इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, डायरेक्ट ये ऑफ हो जाएगा, डायरेक्ट मैंने ऑन किया था। तो मैं इसको देखिए ऑन करता हूँ एक बार, ये PDF फाइल को मैं देख लेता हूँ।
इसी का जो इसी कैमरे में जो स्पीकर है उसी से साउंड हो रहा है। तो ये हो गया आपका टेस्टिंग। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कोई भी सवाल पूछना है तो आप नीचे में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिसने इसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।